हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। और आज दोस्तों आपके लिए बहुत सारा अपडेट लेकर आया हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे जो पहला अपडेट है दोस्तों नथिंग फोन 2A 5G के बारे में। अब इसी फ्राइडे को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो मैंने रेंडर आपको दिखाया था दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि वो रेंडर फेक है, इनएक्यूरेट है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। अब नथिंग फोन 2A 5G कैसा दिखेगा दोस्तों, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, आने वाले कुछ दिन में इसका ऑफिशियल फर्स्ट लुक सामने आ जाएगा। जब आएगा दोस्तों तब आपको इसके बारे में बता दूंगा। वीवो ने दोस्तों साइलेंटली वीवो V30 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। स्पेक्स की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ लॉन्च हुआ, एंड्रॉयड 14 के साथ आता है। एक 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। वीवो ने दोस्तों अब तक प्राइस को ऑफिशियल नहीं किया है, इसे मैं इंक्लूड कर देता हूँ वीवो V30 Pro 5G के बारे में। ये दोस्तों रिसेंटली ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर स्पॉट कर लिया गया है। अब बताया जा रहा दोस्तों कि इसमें आपको सेम डायमेंसिटी 9200 प्लस 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। बेसिकली दोस्तों वीवो S18 Pro 5G का रीब्रांडेड होगा, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है। सो वीवो V30 एंड वीवो V30 Pro ये दो फोन इंडिया के BIS पे भी लिस्ट हो चुका है। सो ये बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। iPhone Neo 9 Pro 5G का दोस्तों प्राइस लीक हो गया, आपको पता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आने वाला है। और इसका जो प्राइस लीक हुआ है दोस्तों, बताया जा रहा है कि इंडिया में 8GB 256GB वेरिएंट का 38,000 रुपये प्राइस होगा, और फर्स्ट सेल में आपको 3,000 रुपये का बैंक ऑफर मिलेगा। सो इफेक्टिव जो प्राइस है दोस्तों 35,000 रुपये होता है। जी हाँ, फर्स्ट सेल में आप इस फोन को 35,000 रुपये के प्राइस पे खरीद पाएंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों, 22 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तब आपको मालूम चल जाएगा। Samsung Galaxy A55 5G ये रिसेंटली अभी इंडिया के BIS पर सर्टिफाइड हुआ है, और अब दोस्तों इसका रेंडर्स एंड स्पेक्स सारा प्राइस वगैरह सब कुछ लीक हो गया है। इसका फर्स्ट लुक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। जी हाँ, इसी डिज़ाइन के साथ आने वाला है। अगर स्पेक्स की बात करूँ तो 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, और Exynos का प्रोसेसर आपको मिलेगा, Exynos 1480 5000mAh का बैटरी दिया गया है, 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। वैसे बताया जा रहा है दोस्तों, इसका जो प्राइस है इंडिया में 35-40,000 रुपये के बीच में होगा। और Samsung Galaxy A55 और A35 ये दो फोन आपको मार्च के महीने में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। Aiko G9 5G रिसेंटली दोस्तों ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पे सर्टिफाइड हो चुका है। इसका रेंडर्स पहले ही लीक हो गया था, अब दोस्तों इसका स्पेक्स भी लीक हो गया है। मैं पहले आपको जो है इसका रेंडर्स दिखा देता हूँ, देख लीजिए। जी हाँ, इसी डिजाइन के साथ आने वाला है, ग्रेडियंट फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर स्पेक्स की बात करूँ दोस्तों तो आपको OLED डिस्प्ले मिलने वाला है, 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आएगा, एंड्रॉयड 14 के साथ आने वाला है, 50MP का रियर कैमरा होगा। और इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि MediaTek का डायमेंसिटी 8300 के साथ आने वाला है। और ये जो फ़ोन है दोस्तों बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकता है चाइना में, उसके बाद आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली दोस्तों OnePlus 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च हुआ था, और अब दोस्तों OnePlus 13 सीरीज के रिगार्डिंग लीक्स आना शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 के साथ आएगा। जी हाँ, और इस बार दोस्तों जो कैमरा लेआउट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो सर्कुलर कैमरा लेआउट होता है वो इस बार डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आने वाले टाइम में आएगा तो आपके साथ जरूर से शेयर करूँगा। Realme 12 Plus 5G ये जो फ़ोन है दोस्तों इंडिया के BIS पर भी सर्टिफाइड हो चुका है, और अब दोस्तों Geekbench स्कोर पर भी पकड़ा गया है। इसमें आपको डायमेंसिटी 7050 देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 14 के साथ आने वाला है, और 12GB RAM के साथ पकड़ा गया है। सो Realme 12 5G एंड Realme 12 Plus 5G ये दो फ़ोन इंडिया के BIS पर ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुका है, और ये दोनों ही फ़ोन दोस्तों मुझे लगता है कि मार्च वगैरह में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। Vivo Y200A 5G, जी हाँ, ये इंडिया के BIS पे सर्टिफाइड हो चुका है, और ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है Vivo Y100 5G का रीब्रांडेड होगा, जो इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ था। Snapdragon 4 Gen 2 देखने को मिलेगा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है, 5000mAh का बैटरी होगा, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाला है। बाकी प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि इस महीने के एंड में या फिर आपको नेक्स्ट महीने मार्च में Vivo Y200A 5G इंडिया में देखने को मिल सकता है। Google Pixel Fold 2 का दोस्तों प्रोटोटाइप एंड स्पेक्स लीक हो गया है। पहले मैं आपको प्रोटोटाइप दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये इसी डिज़ाइन के साथ आएगा, एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा, थोड़ा कैमरा लेआउट अलग दिया गया है। अगर स्पेक्स की बात करूँ तो बताया जा रहा है कि Google दोस्तों इस बार टेंसर G4 चिपसेट के साथ लॉन्च करेगा इसको,
और LPDDR5 RAM का सपोर्ट मिलेगा, 16GB RAM के साथ आएगा और UFS 4.0 का आपको स्टोरेज का सपोर्ट मिलने वाला है, 256GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और बताया जा रहा है दोस्तों कि अक्टूबर के महीने में लॉन्च होगा, जब Pixel 9 सीरीज लॉन्च होगा ना, तो उसी टाइम में आपको Google Pixel Fold 2 5G भी देखने को मिल जाएगा। Honor Pad 9 दोस्तों इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे सर्टिफाइड हो चुका है, तो ये भी आपको इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों Snapdragon 6 Gen 1 देखने को मिलेगा, 13 का रियर कैमरा होगा, 8 का सेल्फी होगा, 8 AR 300mAh का बैटरी होगा, Android 13 के साथ आने वाला है, जी हाँ Android 14 के साथ नहीं आएगा, 13 के साथ आने वाला है। वैसे चाइना में जो इसका 8GB 128GB वेरियंट था, लगभग दोस्तों 16,300 रुपये के प्राइस पर लॉन्च हुआ था। अब देखना होगा दोस्तों कि Honor इस पैड को कब तक इंडिया में लॉन्च करता है और किस प्राइस पर लेकर आते हैं, ये तो आने वाले टाइम में आपको मालूम चल जाएगा। Xiaomi 14 सीरीज बताया जा रहा है दोस्तों कि इंडिया में मार्च के महीने में लॉन्च हो सकता है, जी हाँ Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Ultra ये दो फोन इंडिया के BIS पे ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुका है। वैसे दोस्तों Xiaomi 14 जो है 25 फरवरी को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है और Xiaomi 14 Ultra दोस्तों चाइना में शायद से 22 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। और दोनों ही फोन में दोस्तों Snapdragon 8 Gen 3 देखने को मिलता है। Xiaomi 14 Ultra का दोस्तों इसका फर्स्ट लुक सामने आएगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, जी हाँ यही Xiaomi 14 Ultra होगा। और अब बताया जा रहा है कि ये दो फोन मार्च के महीने में इंडिया में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों इंडिया में क्या प्राइसिंग होगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। Zenfone 11 Ultra का दोस्तों लाइव फोटोज एंड स्पेक्स लीक हो गया। सबसे पहले ये लाइव फोटोज को देख लीजिए, जी हाँ ऐसा ही डिजाइन होगा। अगर स्पेक्स की बात करूँ तो Snapdragon 8 Gen 3 के साथ आने वाला है, 144Hz AMOLED डिस्प्ले होगा, 5500mAh का बैटरी होगा, 65W फास्टिंग सपोर्ट के साथ आने वाला है और भी आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिलेगा। वैसे बताया जा रहा है दोस्तों कि फरवरी में जो MWC होने वाला है बार्सिलोना में, वहाँ ये फ़ोन अनाउंस हो जाएगा। बाकी इंडिया में कब आएगा अभी इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आपके साथ जरूर से शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीकली टेक अपडेट आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।